सुल्तानपुर थाने पर आयोजित संपूर्ण थाना समाधान दिवस में आईजी व डीआईजी राजेश डी मोदक तथा मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने पहुंचकर फरियादियों की फरियाद को सुना तथा थाने का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में डीआईजी राजेश डी मोदक ने बताया कि शाहपुर थाना शहर का एक महत्वपूर्ण थाना है। थाने में महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला डेस्क की व्यवस्था बेहतर पाई गई और कार्य भी अच्छा किया जा रहा है। जो भी मामले महिलाओं से संबंधित आए हैं उसको पूरी तरह से निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि थाना समाधान दिवस में जो भी मामले आए हैं सभी मामलों को 2 दिन के अंदर निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान थाने पर रखी गाड़ियों तथा रजिस्टर रखरखाव की व्यवस्था उत्तम है। मंडलायुक्त के द्वारा थाना परिसर की जमीन का जायजा लिया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में थाने में पहले से रखी गाड़ियों को रखने की व्यवस्था किया जा सके। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुराग जैन, एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, शाहपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी राजेश डी मोदक ने कहा, बस ऊपर ही है, बस केवल इतना ही है, पीछे नहीं है। नहीं सर, पीछे पीछे आपके पास जगह है तो आप बैरिक का प्रपोजल भेजिए ना। जगह है सर, महिला बैरिक कुछ बनाई है आपने? जी, महिला बैरिक नहीं है सर। तो भेजिए ना भाई आप। अभी महिलाएं इतनी पोस्ट हो रही है, उसके लिए कहाँ रहे सारे पुरुष में मैंने पूछा महिला कहाँ रहती है, तो वो किराए से बाहर रहती है। मैंने उनको बोला कि उनको सुरक्षा की इसमें कुछ लोग बढ़ बढ़ के बनवा लिए हैं और हम लोग अपना बांस वो लगा करके तार उसको बांध रहे थे, तो ये लोग कहे कि नहीं बनाएगा, तो पुलिस को बुलाए चौकी पर, तो हम लोग कहें कि आप चलिए और अपना पेपर दिखाइए कितना आपका है, आप नाप के ले लीजिए। तो वही लोग जो आए थे वहाँ पे चौकी से, वो लोग कहे कि थाने पे थाना भी लाए हैं। सही कहा उन्होंने, लेखपाल जी हैं वहाँ के सर, वही शादी शर्मा चाप देख रहे हैं, लेकिन ये जो आप जहाँ पर खींच रहे हैं वो आपके दखल में है? हाँ सर, हमारी जमीन है, विपक्षी है, चौथे इंचार्ज विपक्षी को क्यों नहीं लेके आप, उनको भी लाइए ना, तो दोनों की बात सुन रहे। विपक्षी को क्यों नहीं लाए, या तो आप इस मैटर को आज विपक्षी और विपक्षी दोनों को बुला के प्रॉपरली वो मतलब राजस्व के भी लोग हो उनके सामने विस्तारित करें। ये और हमारे यहाँ जबरन उसको बैठाया जा रहा है और हम लोग एक एक समस्या, पहले आपकी एक और समस्या है। हाँ उसमें ये है कि इसमें भी इनका पैमाइश का प्रॉब्लम होगा, ये मेरी जमीन है, ये उनकी जमीन है, तो आप मुझे एप्लीकेशन दे दीजिए इनको द्वारा 24 साल उसको करवा दीजिए, पैमाइश करवा दीजिए। हम लोग को सप्लाई नहीं है, ये जो वहाँ का है सिर्फ सरकार जनता है, हम लोग वहाँ चाह रहे हैं कि छोटा सा स्कूल बन जाए या कोई और चीज बन जाएगा। क्या ये स्वार्थ की भावना नहीं है आपकी, क्योंकि आपको पानी मिल जा रहा है, किसी दूसरे को आपके भाई को बहन को नहीं मिल रहा है, उनके गांव में जगह नहीं है, इसलिए 2 साल से पैसा पड़ा है और ऐसी जगह तो मेरी बात सुनो, यदि आपके यहाँ प्राइवेट जमीन को ना लेकर हम सार्वजनिक जमीन पर बना दे रहे हैं और उससे दूर की बस्ती का भला हो जाएगा, इसमें गलत क्या है? क्या हम रखते हैं और रेजोल्यूशन में
हमारे शहर में अभी तक हम फाइव क्वार्टर नहीं दे पाए। अब उसके लिए जब मैंने सर्वे कराया गौरव से बात करके डीएम साहब से भी बात हुई, जहाँ जिस क्षेत्र को पानी देना है वहाँ पर कहीं जगह नहीं, ये एक एकड़ अभी खाली पड़ी कोई कब्जा कर लेता तो क्या होता, तो वहाँ पर हमने टंकी बनवाने के लिए बोल दिया, इसमें नुकसान क्या है। घर को आपकी पुरानी टंकी ये सब वही बाइक रखी हुई केस प्रॉपर्टी है, ये उसी है। हाँ सर, पूर्व डी आई जी भी उनके घर में, उनके घर में पूर्व डी आई जी वहाँ नहीं है। बहुत खराब है और वहाँ पर भी है, नगर निगम को मिलना चाहिए, आपके कार्यक्रम को मिलना चाहिए, उनसे चाहिए कि आके थाने का गंदगी हटाएं। बाप रे बाप, सिस्टम को अच्छा कर दिया है, क्या करोगे आप? जी ये सारे आपके हैं यहाँ से लेकर सर लास्ट जो बाउंड्री दिख रही है, तो बाउंड्री पीछे नहीं है क्या? नहीं नहीं प्राइवेट बाउंड्री। हाँ, मेरा नाम है आप लाल है सर, मैं निकल रहा हूँ। तो लोग आपके ये सारे लोग आ रहे होंगे अंदर से? हाँ सर, रास्ता दिया नहीं। बहुत जरूर अच्छी है। भी एक ऑर्डर आया अभी सर, ये गड्ढा था सर पहले, यही तालाब था, इसको बना के लोग गाड़ी रखते हैं आगे, जो पूरा तालाब था लास्ट। ये थाने की बिल्डिंग नहीं 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 सर, प्राइवेट बनी मकान बना, इसके पीछे थाना है। ये लेकिन आपकी जमीन जो लो लाइंग ये सर, थाने के बाद तालाब भी है सर, वो तालाब आपकी नहीं? हमारा नहीं सर, हमारा पीछे तक नहीं सी, उसके बाद नगर निगम से तालाब है, कब्जा कर लेगा। ये किसकी ज़मीन है? ये वाली तो प्राइवेट है सर, इसी ये अपना है। हाँ सर, नहीं वाला नया बारे को ये कॉटर्स है, कमरे हैं सर, कॉटर्स है जी जी सर, इलाज है लोगों को। कॉन्स्टेबल रह रहे हैं हमारे? नहीं नहीं, ये सब इंस्पेक्टर आवास। अच्छा ठीक है। मैं कंप्लेन में कर रहा हूं जी सर। बहुत धन्यवाद। आप रोशनी के उसमें अपोजिट में हैं नो सर, काले काले आएंगे होती है ना महिला हेल्प डेस्क की, कौन से फोन नंबर कौन से क्या क्या वो सब लगाएंगे। एक आदमी दुखी आया है, आपको भी पता है कि बस टेलिंग ही कमजोर है, चौबीस घंटे बढ़ा रहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत कम, मतलब हॉस्पिटल जब वो आया था अस्सी में, तो उन्नीस सौ अस्सी में क्रांति में मार देते थे। आज समाधान दिवस है और हम शाहपुर थाने पे आए हुए हैं, ये शहर का बहुत ही इम्पोर्टेंट थाना है और जो कमिश्नर साहब और मैं दोनों यहाँ पर आए थे आज समाधान दिवस पे, देखा गया है कि महिला हेल्प डेस्क यहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है और जो कंप्लेंट्स आए हैं वो पहले वाले सारे कंप्लेंट्स 100% अटेंड किए हुए हैं, नेट डिपेंडेंसी नील है और आज जो कंप्लेंट्स आए हैं उसका भी समाधान दो दिन के अंदर करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है थाने का वो ठीक है। थानों का निरीक्षण भी किया गया? थाने का निरीक्षण किया गया, जो ज़मीन पीछे है और जो केस प्रॉपर्टी है उसका रख रखाव कैसा है, उसके लिए कमिश्नर साहब आए थे तो वो एक शहर में एक रिजर्व लैंड के लिए भी बात कर रहे थे कि जहाँ पे सारी केस प्रॉपर्टी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, सभी थानों की केस प्रॉपर्टी एक जगह इकट्ठा रहनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, उस पर काम चल रहा है।